हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। दोस्तों यहां पर है हमारे पास Xiaomi 14 अल्ट्रा जो कि 1 लाख रुपए के आसपास आता है और इसके अंदर मैं आपको BGMI आज खेल के दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों इस फ़ोन के कुछ स्पेक्स में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो फ़ोन आता है ये क्वाड कोर चिपसेट के साथ आता है, क्वाड कोर जेन 3। इस फ़ोन के अंदर आपको 3 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाते हैं जो कि पहला ग्राफिक्स कार्ड है एड्रीनो जो कि हर फोन के अंदर आपको देखने को मिल ही जाता है। इसके अंदर जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगा है वो है OpenGL 3.2 और इसके अंदर जो तीसरा ग्राफिक्स कार्ड है वो है वल्केनो। इसीलिए इसके अंदर 3 ग्राफिक्स कार्ड लगाए गए हैं इस सारे फोन को अच्छे से स्मूथ तरीके से मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको हाई सेटिंग्स पे BGMI खेल के दिखाऊंगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपका कोई इस फोन को लेके सवाल भी है, अगर आप इसमें कोई और भी चीज़ जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर जरूर करूंगा। तो Xiaomi का 14 अल्ट्रा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है Xiaomi 14 अल्ट्रा और इसके अंदर हम लोग BGMI टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका रेजुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने 2K डिस्प्ले सेलेक्ट किया है और साथ ही जो इसका रिफ्रेश रेट भी है वो भी 120 पे लगा हुआ है। तो सीधे हम लोग BGMI को टेस्ट करते हैं क्योंकि एक हमारे व्यूवर्स ने कहा था कि इस पर BGMI खेल के दिखाओ, तो उन्हीं की डिमांड पे मैं इस पर BGMI खेल के दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास Xiaomi 14 अल्ट्रा, इसके अंदर BGMI टेस्ट हम लोग हाई ग्राफिक्स पे खेल के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्राफिक्स की सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए HDR पे लगा है और यहाँ पर अल्ट्रा HDR भी दिया गया है और साथ ही स्ट्रीम HDR। तो स्ट्रीम जो HDR है इसमें अभी कमिंग सून दिखा रहा है और अल्ट्रा HDR पे ये सेलेक्ट हो चुका है। और अगर इसके फ्रेम्स पर आप देखेंगे तो ये भी अल्ट्रा पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये हाई है और ये अल्ट्रा है। तो अब इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा खेलना आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेहतर आइडिया के लिए खेल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इस फ़ोन के अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ये स्मूथ चल रहा है और जब बहुत ज़्यादा स्मूथ जब चलने लगता है तो जब आप बहुत अच्छा खेल लेते हैं तभी आप खेल पाएंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा कम स्मूथ चले तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि फिर चलो एक तो धोखे धंधे में मर ही गया। पेल दिस ले एक बहुत मुश्किल मरो रहा है फिर। अरे यार मार 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 मार, ये आई का तो पेल दे बाकी वो ये निपटाई दिस ले। बहुत स्मूथ चल रहा है, ये समस्या ये भी है एक तो, भगाओ किधर भाग किधर जाता है। बची को हाँ भाई हम आ रहे हैं ए ए ए ए निपटी गो निपटी गो निपटी गो दुई मरी गए यहाँ धोखे एक मरी गो।
मानते हैं बस वो। तो हमें डबल तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि गेम भी रिकॉर्ड हो रहा है। और ए ए ए ए ए ए बहुत देर ले मरी गए यो काम से यो कौन मार दे लिया तेरा 14 के ऊपर इधर से गई हो मरी वो तीन मर गए थोड़ा सा अंदर और कुटो कुटो कर रो जाओ। अच्छा तुम हूँ ए ले अच्छा इधर है इधर है चल तो वैसे बहुत स्मूथ रहा है इसमें तो कोई शक नहीं। जाकेट ले ली तो कुछ चाहिए यही का सारे मरी गए तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रहा ये Xiaomi 14 Ultra और कोई भी लैग नहीं करता है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये स्मूथ चल रहा है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको खेल रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको Xiaomi के अंदर और Redmi फ़ोन के अंदर यहाँ पर आपको एक गेम टर्बो भी देखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ पर गेम टर्बो करेंगे तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें कर लेनी है जैसे यहाँ पर एक क्लियर मेमोरी होती है तो जितनी भी आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ओपन रहती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको ये मिल जाती है कि इसको आप बूस्ट कर दे सक सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको बूस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो FPS है पहले कितना FPS है और बाद में कितना FPS है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है तो यहाँ पर अपना FPS भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो मोड मिल जाते हैं ठीक। इसको जब आप हाई पे कर देंगे तो और भी ज़्यादा ये इम्प्रूव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हैं जैसे रिकॉर्डिंग के दौरान या लाइव स्ट्रीम के दौरान तो यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्डिंग को भी चेंज कर सकते हैं DND लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा एक ये है कि जो DND से फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप जब गेम खेलते हैं तो कोई भी नोटिस बीच में नहीं आता है जो कि बहुत अच्छा होता है। स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं और साथ ही इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अगर आप इसको कास्ट करना चाहें तो कास्ट भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस भी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपका सूटेबल हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से Xiaomi 14 Ultra के अंदर आप VGMI टेस्ट कर सकते हैं मतलब VGMI आप खेल सकते हैं इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1 लाख रुपए का फ़ोन आता है और जब आप गेम खेलेंगे तो इतना ज़्यादा कोई हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। जब आप इसका कैमरा चलाएंगे तभी आपको इसके अंदर हीटिंग इशू देखने को मिलता है अदरवाइज इसके अंदर गेम खेलते समय कोई भी हीटिंग इशू नहीं होता है। और थोड़ा बहुत हीटिंग इशू होता ही रहता है लेकिन उतना हीटिंग इशू नहीं होता है जितना अदर फ़ोन में होता है। और चल बहुत स्मूथ रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है बस आपको जो है अच्छे तरीके से खेलना आना चाहिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा Xiaomi 14 Ultra का कुछ रिव्यू और आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।